हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये डॉम्स के ब्रश पेन, और ये एक स्केच बुक है जो मैंने फ्लिपकार्ट से रिसेंटली मंगाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और कुछ इससे ट्राई करते हैं। मैं रैंडमली ऐसे ही आज कुछ भी ट्राई करूँगी बनाने का, बिकॉज मैं जस्ट चेक करना चाहती हूँ कि ब्रश पेन कैसा है। और ये यहाँ पर मुझसे पैक खोल ही नहीं रहा है, इतनी मुश्किल से काफ़ी कठिन परिश्रम के बाद मैं इसको फाइनली पैकेट को ओपन कर पाती हूँ। इसमें से निकलते हैं ये सुंदर से ब्राइट ब्राइट कलर्स। तो चलिए आप देखते हैं इनको। ये एक फ्लावर मेकिंग टेक्निक है। इसमें आपको क्या करना है कि आपकी जो टिप है उसको अंदर की साइड और जो बाकी का एरिया है ब्रश पेन का, उसको बाहर की साइड आपको रखना है और उसको जस्ट प्रेस करना है, तो ये ऑटोमेटिकली एक फ्लावर की शेप फॉर्म करेगा। गाइज, क्या आपको पता है कि ब्रश पेन ये मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ डॉम्स का जो ये ब्रश पेन है। और ट्रस्ट मी, ये प्रोसेस काफ़ी सेटिस्फाइंग है, काफ़ी इसमें मुझे मज़ा आया ये करने में। और ऐसा लगता है कि जब हम बचपन में स्केच पेन को यूज़ करके कोई आर्ट करते थे, ड्राइंग करते थे, तो वो टाइम ऐसा लगा कि वापस आ गया है। काफ़ी मज़ा मुझे आया, ईजी भी है। ब्रश पेन की हेल्प से अगर आप कोई आर्ट या क्राफ्ट करते हैं, ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, काफ़ी इजी प्रोसेस है और आप उस प्रोसेस को इन्जॉय करते हैं। मैंने भी इस प्रोसेस को काफ़ी इन्जॉय किया। तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं, सिंपल फ्लावर्स यहाँ पर ऐड कर रही हूँ इस शीट पर, जस्ट जो भी मेरे माइंड में आ रहा है वैसे ही मैं फ्लावर्स को। गाइज, लिटरली आई डोंट नो एंड रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं, क्या बनकर आएगा। बस मैं जो भी मेरे माइंड में आ रहा है, लीव्स, फ्लावर्स, डिफरेंट कलर्स, वो सब मैं यहाँ पर रखते जा रही हूँ इस शीट पर। और गाइज, अभी पता है कि आपको क्या करना है, मैं आपको बता देती हूँ अभी आपको क्या करना है। अभी आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अगर कर दिया है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, कर दिया है तो फिर आप मेरी वीडियो, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेगा। क्योंकि एक मैंने लास्ट शॉर्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि मैंने न्यू सप्लाइज़ खरीदी हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट सप्लाइज़, स्टेशनरी, मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की है इसकी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अब देखने को मिलेगी। एंड गाइज, जितना मज़ा मुझे ये पेंटिंग काइंड ऑफ पेंटिंग करने में आया है, आई होप उतना ही मज़ा आपको इसको देखने में आया होगा, ये प्रोसेस इन्जॉय आपने किया होगा। मैं सिर्फ वीडियोस बनाती हूँ इसीलिए कि आप लोग, आपको वो अच्छी लगे और आप उनको घर पर ट्राई करें। और अगर आप कभी ट्राई करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो कैसा रहा और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, तो वो प्लीज़ आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अभी फाइनली एक दो फ्लावर्स ऐड करने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आते हैं मेन बात पर जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, प्रोडक्ट रिव्यू। सो ये डॉम्स के जो ब्रश पेन है वो काफ़ी अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है। तो अगर आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं जो अफोर्डेबल भी हो, अच्छा भी हो, तो आप डेफिनेटली ये बाय कर सकते हैं, मैं ये रिकमेंड करती हूँ आपको। अंडर 200 आपको ये मिल जाएगा, 200 विच इज़ क्वाइट अफोर्डेबल आई गेस। तो इसमें आपको टोटल 14 शेड्स मिलती हैं, टोटल 13 शेड्स प्लस एक ब्लेंडर आपको इसके साथ मिल जाता है। तो अभी ये इसका फाइनली हमारे पास आउटकम आ गया है, और आपको लग कैसा रहा है वो तो आप लोग ही बताएंगे। मुझे तो ये ठीक ही लग रहा है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ सोच कर नहीं बनाया था, रेंडमली बस मैं जो भी आ रहा था मेरे माइंड में मैं वो इसके ऊपर बनाती गई। तो आपको ये कैसा लगा प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। और अब आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आपको क्या करना है आपको पता है, आपको कुछ नहीं करना है, अपना ध्यान रखना है। और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।